वेलकम बैक नाजरीन, प्रोग्राम आप देख रहे हैं गुड मॉर्निंग कोहिनूर। मैं हूं डॉक्टर नबीहा अली खान और अभी एक बहुत ही अहम मौजू पर बात करने जा रहे हैं। अहम इस हवाले से भी है कि इस वक्त में बहुत बड़ा अलमिया बनता जा रहा है पाकिस्तान में। ख़ास तौर पे अगर हम बात कर लें मुख्तलिफ़ शहरों की और लाहौर शहर की, तो बच्चों के अगवा के वाकयात बढ़ते चले जा रहे हैं। ये मासूम बच्चे जो किसी भी तरह से किसी की भी आप कह लें कि नफ़रत का शिकार हो जाते हैं या लोगों के लालच का शिकार हो जाते हैं और फिर इनको जो है वो महंगे दामों बेच दिया जाता है। इन बच्चों को कहाँ से उठाया जाता है, किस तरह बेचा जाता है और इनसे ये पैसे कमा कर जो है वो किस तरह ये लोग अपना सर्कल चला रहे हैं, ये घिनौना जुर्म है जो इस मुल्क पाकिस्तान में ज़ोर पकड़ता चला जा रहा है। इसीलिए वालदैन अपने बच्चों को घर से बाहर निकलने से मना करते हैं, लेकिन फिर भी जो मोहल्ले हैं, इलाके हैं जहाँ पे बच्चे जो है वो स्कूल जाते हैं, बाहर जाते हैं, कोई चीज़ लेने चले जाते हैं, घर का सामान लेने चले जाते हैं, इवन के वहाँ भी ये ग्रो बहुत एक्टिव होते हैं और इन्होंने मार्क करके रखी होती हैं जगहें जहाँ से ये बच्चों को अगवा करते हैं और फिर उन बच्चों को जो है वो इलाका गैर में जा कर बेच दिया जाता है या मुख्तलिफ़ ऐसे इलाकों में जो है बेच दिया जाता है जहाँ पर बच्चों का बाकायदा तौर पर ये घिनौना कारोबार किया जाता है। ये लोग कहाँ से आते हैं, कौन लोग हैं, कैसे इस मुल्क पाकिस्तान की जड़ों में बैठ गए हैं और हमारे बच्चे जो इनसे सेफ़ नहीं हैं, इस पर किस तरह से हम अपने बच्चों को सेफ़ कर सकते हैं और ये लोग कैसे घिनौना कारोबार लेकर स्टार्ट कर रहे हैं और करते हैं, यही नहीं है बल्कि मांगने के तरीक़ेकार क्या है, इन बच्चों को जो है वो किस काम के लिए इस्तेमाल किया जाता है, ये सारी चीज़ें आज हम प्रोग्राम में आपके साथ डिस्कस करेंगे। और बाकायदा तौर पर जो है वो इस पर पूरी रिसर्च करके हमने इस पर पूरा जो है वो ध्यान करके कि ये लोग कौन है, कहाँ से आते हैं, कैसे ये सब कुछ करते हैं, इस पे बात करेंगे। हमारे साथ स्टूडियोज़ में मौजूद हैं हमारे क्राइम रिपोर्टर, सीनियर क्राइम रिपोर्टर वसीम साबिर साहब। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम वसीम साहब, वैसे तो आप जाहिर है कि रोज़ाना की बुनियाद पर इस तरह के सारे वाकयात डील करते हैं जिसमें क्राइम सीन्स आप जो है वो रोज़ाना देखते हैं अपनी आंखों से, लेकिन ये जो बच्चों का अगवा के वाकयात हैं, घिनौना जुर्म जो है ये तो बढ़ता चला जा रहा है, ज़रा इसकी हमें तफसील बताइएगा कि ये सिलसिला क्या है और ये कैसे जो है वो इतना कारोबार, ये कारोबार बना लिया इन्होंने और ये बढ़ चुका है अब। डॉक्टर साहब आपका बहुत शुक्रिया, आपने मुझे प्रोग्राम में जो है वो इनवाइट किया। सबसे पहले मैं बताऊं कि शहर लाहौर में मंशियात फरोशी बड़ी आम थी, फिर वो पुलिस से ख़त्म नहीं हुई, फिर देखने में आया कि कम सिन बच्चों को जो है वो घर के बाहर गली से, स्कूल के बाहर से, दीगर ऐसी जगहों से जहाँ पर बच्चे सेफ थे जी, वहाँ से जो है वो अगवा करने के बाद उनको वहाँ से अगवा करके ले गए। जिस तरह से दूसरे शहरों से लोग आते हैं दाता दरबार, शाही किला, रेलवे स्टेशन जी, और दीगर ऐसी जो मज़ारात या रश वाली जगह होती हैं, वहाँ पर कोई ना कोई अमूमन देखने में आता है कि फैमिली लापरवाही करती है और लापरवाही का जो है वो यही होता है कि उसका कि उनका बच्चा जो है वो वहाँ से मिस हो जाता है, क्योंकि कुछ फैमिली जो है वो अपनी दूसरे बच्चों के साथ खेल में मगन होती हैं, लेकिन छोटी उम्र के बच्चे का, जिस तरह से 4-5 साल का बच्चा ले लें, उसको उस पर ध्यान ही नहीं होता, वो आहिस्ता आहिस्ता जब साइड में निकलता है तो उसको जो है वो अगवाकार सिर्फ और सिर्फ प्यार मोहब्बत और उसको चूमने के लिए कि बड़ा खूबसूरत बच्चा है। जिस तरह से अस्पतालों की अगर सूरत हाल देख लें जी, अस्पतालों तो से बच्चे नौमलूद बच्चे जो है वो अगवा हो जाते हैं, और अभी जनरल हॉस्पिटल का जो वाकया है वो भी जरा तफसीलन हमें बता दीजिए। मैं बता रहा हूँ कि लाहौर में कोई भी ऐसा अस्पताल नहीं है जहाँ पर करोड़ों रुपए की लागत से बने जो है वो कैमरे नहीं लगाए गए, सेफ सिटी के कैमरे भी मौजूद हैं, लेकिन उसके बावजूद भी अगर बच्चे वहाँ से अगवा हो रहे हैं इतनी सिक्योरिटी में, तो उसमें तकरीबन 75% जो है वो वालदेन का कसूर होता है, क्योंकि वालदेन जब अपना खूबसूरत बच्चा लोगों को बताते हैं, अपनी साथ वाले बेड वाले को या वार्ड वाले को, तो कोई भी जो है वो बच्चे को अगर मिलने के लिए आए, प्यार करने के लिए आए, तो माँ उसको जो है वो उसी कंबल में उसके हवाले कर देती है, सही है, वो उसको लोरिया देता हुआ जो है आहिस्ता आहिस्ता कमरे से बाहर चला जाता है और गायब हो जाता है। जो शीर ख्वार बच्चा होता है, जिस तरह से बात की जाए, जिस तरह से जनरल अस्पताल का बच्चा था, उसके वालिदैन से मेरी मुलाकात हुई, इंतहाई गरीब और मजबूर लोग थे, उससे पहले भी उनका एक बेटा था और उसके बाद रिसेंट हुआ उसमें एक दिन का बच्चा था, वो एक दिन का बच्चा था, 2 घंटे बाद जो है वो एक मियां बीवी आए, उन्होंने आके उस बच्चे को प्यार मोहब्बत के साथ पहले बेड वाले को जो है वो मुतमिन किया कि मुबारक हो जी आपके यहाँ बेटा पैदा हुआ, माशाल्लाह कितना खूबसूरत है, कितना प्यारा लग रहा है। अच्छा। उसको उठाया
उठाने के साथ साथ उसको प्यार मोहब्बत जिस तरह से मैंने बताया उसको लोरियां देने के लिए ऐसे करके बाहर लेकर गए। बाहर गाड़ी खड़ी थी और गाड़ी खड़ी जो थी उसको बच्चे को उसके अंदर डाला और फौरी तौर पर बच्चे को वहां से गायब कर दिया। फिर उसको दूसरे इजला में कभी गुजरात, कभी सियालकोट, कभी फैसलाबाद, कभी सराय आलमगीर, कभी रावलपिंडी, आखिरकार होता क्या है कि जहां पर लाहौर पुलिस की इंफॉर्मेशन खत्म हो गई फिर वहां पर उसको सीआईए को जो है वो जोड़ दिया गया। सीआईए ने जो है वो डॉक्टर साहब बच्चे को बरामद किया और इस तरह का जो बच्चा होता है एक तकरीबन दो घंटे बाद जो बच्चा अगवा हो जाए उसको 10 बच्चों के साथ लिटा दिया जाए तो उसका अपना माँ बाप जो है वो उस बच्चे को नहीं पहचान सकता। हम समझते हैं कि लाहौर पुलिस के जो एसपी सीए हैं उन्होंने एक टीम बड़ी जो है वो जबरदस्त रखी हुई है जिस तरह से खालिद फरूक हैं, इसके अलावा फरूक असगर अवान है, खालिद अबू बकर है, तारक अलियास कहनी है। मेरी अमूमन जब बात होती है एसपी सीए से तो वो यही कहते हैं एक तो हमारे माँ बाप और पब्लिक की दुआएं हैं और दूसरा मेरे साथ कांधा लगाने वाली टीम जो है वो बड़ी अच्छी है और किसी भी जो है वो चाहे कोई हुक्मरान हो चाहे या कोई पुलिस ऑफिसर हो किसी भी महकमे का अगर उसकी टीम उसके साथ बिल्कुल कांधे के साथ शाना बिशाना खड़ी है कांधा लगा के तो मेरा ख्याल है वो फेल नहीं हो सकती। बच्चों के हवाले से तो बड़ा वाजह है जिस तरह से 10 करोड़ रुपए की खातिर अच्छा, ये बाजियाब करवा लिया गया बच्चा तो ये किसने अगवा किया था, कौन लोग थे, क्या पता चला और ये किस क्यों जो है वो उस बच्चे को 2 घंटे अभी उसकी पैदाइश को हुए और 2 घंटे बाद ही वो बच्चा 2 घंटे के बाद वो बच्चा गायब हो गया। फिर उसके बाद 2-3 दिन मुकामी पुलिस लोकल जो है वो उसको तलाश करती रही ढूंढती रही आखिरकार तफ्तीश जो है वो एसपी सीआईए के सपोर्ट कर दी गई। जब उस मियां बीवी को गिरफ्तार किया गया तो मियां बीवी ने जो है वो इस बात का बहाना किया कि हमने जब बच्चा देखा तो हमें बड़ा प्यारा लगा और हम प्यार करते करते उसको बाहर ले गए, हमने कहा हमारे भी औलाद नहीं है तो हम बच्चा अपने साथ ले गए। सबसे पहले देखा जाए उन मुलजमान के हवाले से कि आखिरकार उनको किस तरह से पता चला कि यहाँ पर बच्चा जो है वो उसकी पैदाइश हुई है। हाँ। क्योंकि जब मेरी एसपी सीएजी से बात हुई थी उनका भी ये कहना था कि ये प्री प्लान जो है वो तमाम काम किया गया, पहले वो घर से आते हैं फिर वो वार्ड के अंदर फिरते हैं, फिरने के बाद वो मास्क लगाते हैं, मास्क लगाने के बाद बच्चे को अगवा करके ले जाते हैं। जो इत्तफाकन वकुआ होता है वो यही होता है कि अगर आप किसी का आपने बच्चा उठाया हुआ है तो उसका अपना माँ बाप कहीं पर मिस हो जाए या किसी भीड़ में गुम हो जाए तो बंदा जहां से बच्चा कलेक्ट किया होता है वहीं बैठ जाता है, सही बात है। बच्चा होता है वो आ जाता है, वो इस तरह नहीं करता कि अस्पतालों में जा रहा है तो वहां पे जाके अपनी मनपसंद का बच्चा या बच्ची जो उसे हाँ, लगे स्पेशल बच्चा उसको उठा रहे ले और वहां से ले जाएं। ये तमाम वाकयात जो है ना वो लाहौर में दिन ब दिन बढ़ते जा रहे हैं लेकिन अभी मेरा ख्याल है कि जो है वो अगवा की बच्चे की कोई भी ऐसी एप्लीकेशन या एक और शख्स भी जो बच्चे अगवा करता है और नॉर्मलूद बच्चे नहीं बल्कि अच्छे जो समझदार बच्चे हैं कोई 5-6 साल के बच्चे वो अगवा करके जो है वो बेचता है आगे और वो पकड़ा भी गया है और पुलिस ने उसके जो है वो बयानात भी जो है वो रिकॉर्ड करवाए हैं उसकी तफसील हमें बताएं। देखें ये जो है ना जिसको पकड़ा है इसका नाम है खालिद और खालिद ये इलाका थाना मिसरी शाह घोड़े शाह का रिहायशी है और ये वहाँ पर गुब्बारे बेचता था। अच्छा। आपको इलम होगा कि जो लोग गुब्बारे बेचने वाले हो या खाने पीने की छोटी मोटी गोली टॉफी बेचने वाले हो उसके इर्द गिर्द जो है वो कम से कम बच्चे जो छोटे छोटे होते हैं उनका मेला लगा रहता है, जिस तरह से कोई सर्कस दिखाने वाला गली में आता है या कोई बंदर का तमाशा करने वाला आता है तो लोग भीड़ में जो है वो इकट्ठे हो जाते हैं। खासकर बच्चे जो है वो अपने घरों से आटा भी लाते हैं, रोटियां भी लाते हैं, नगद पैसे भी देते हैं। तो इसी पर जो गुब्बारे बेचने वाला था, गुब्बारे बेचने वाले ने गली में जो है वो एक ठेला लगाया हुआ था और उस बच्चों को जो है वो देखता था कौन बच्चा अच्छा है और उसको अपनी मन मर्जी का बच्चा जब मिलता था वो उठा के वहां से ले जाता था। कुछ ही देर बाद जो है वो वहां पर जिस तरह से लोग मसाजिद में ऐलान करते हैं और इसके अलावा 15 पर कॉल करते हैं और उसने जो है वो खालिद ने बताया है कि वो अब तक 5 बच्चे जो है वो अगवा कर चुका है उसी इलाके से 5 बच्चे अगवा करके ले गया है। और उससे जब पूछा गया कि बच्चे क्या करते हो, कहता जी मोटरसाइकिल वाला आता है मुझसे बच्चे ले जाता है, 5,000 फी कस बच्चे का वो रेट लगाता था। आप बताएं किसी का लखते जिगर, किसी के जिगर का टुकड़ा, किसी की जान जो है वो 5,000 रुपए में फरोख्त हो रही है लेकिन वो जो बंदा है उसको पुलिस की जानिब से इंटेरोगेट भी नहीं किया गया बल्कि ये कह के जो है वो उसको छोड़ने की कोशिश की जा रही है। ये बच्चा बाजियाब करवाया गया है उस गुब्बारे वाले से, मौके पे पकड़ा गया उस बच्चे को गुब्बारे वाला उठा के लेके जा रहा था तो एक राहगीर जिसने देखा कि बच्चा कितना प्यारा है। देखें
जो वालदेन ने बच्चा उठाया होता है, जिस तरह से अगर आप झुग्गियों वाले देख लें, उनके बच्चे देख लें, वो भी उसी तरह के होते हैं। अगर वो किसी पढ़ी लिखी फैमिली का बच्चा उठाते हैं तो वो फौरी पता चल जाता है कि ये इसका बच्चा नहीं है, ये बच्चा किसी का लेके जा रहा है। अगर वो गुब्बारे वालों को जब रेड हैंड पकड़ा तो उसको मोहल्लेदारों ने, हमारे पाकिस्तानी अवाम इसी तरह से, कोई चोर पकड़ा जाए, कोई डाकू पकड़ा जाए, कोई बच्चे अगवा करने वाला अगवाकार पकड़ा जाए, सबसे पहले ये अच्छी तरह से उसकी दुर्गत बनाते हैं, उसे मारते हैं, पीटते हैं, लाल पीला कर देते हैं, ताकि क्योंकि हर बंदे को उसमें ना बच्चे में अपना बच्चा नजर आता है कि यार ये मेरा बच्चा ना हो, ये काश मेरा बच्चा होता तो फिर क्या होता, मैं कितना परेशान होता। उसको मारा, फिर उसके बाद मोहल्ला इकट्ठा हो गया, उसको पुलिस के हवाले कर दिया गया और पुलिस के जानिब से जो है वो बड़ा वाज़े कहा गया कि लगता है जी इसका दिमागी तवाजुन दुरुस्त नहीं है। अच्छा। अगर दिमागी तवाजुन उसका दुरुस्त नहीं था, अपना नाम वो खालिद बताता है, अपने वालिद का नाम बताता है, अपना एड्रेस पूरा बता रहा है, और उसने पूछा कि आप शादीशुदा हो गैर शादीशुदा हो, तो बता रहा है जी मैं गैर शादीशुदा हूँ। फिर उसमें अब नॉर्मल वाली या पागलों वाली कोई बात तो नहीं है, जिस बंदे को अपने घर का पता है। अच्छा, और जिस जो बंदे पांच को बच्चे उठा चुका है और वो सेल कर चुका है, आगे उन बच्चों की जिंदगी के साथ पता नहीं क्या सलूक जो है वो किया होगा, तो ये कहाँ बच्चों को लेके जाते हैं, उनके साथ क्या करते हैं? और ये गुब्बारे वाला जिनको बच्चे बेचा करता था, गुब्बारे वाला अगर डॉक्टर साहब, गुब्बारे वाला पुलिस के मुताबिक अगर पागल होता तो जितनी मकदार हवा की गुब्बारे को चाहिए वहीं पे वो उसको गांठ लगा देता है। इसका मकसद ठीक है, अगर ज्यादा भरेगा वो फट जाएगा। इसकी जहनीत देखें कि गुब्बारे भरता है, अगर वो पागल हो तो सारे गुब्बारे फाड़ दे, अगर पागल हो तो गुब्बारों को आग लगा दे। ये पूरा जो है वो एक मुनज्जम ग्रोह है। नहीं, अगर वो पागल हो तो वो पांच बच्चे कैसे अगवा कर लिए उसने? सही कह रहे हैं आप, ये तो बहुत बड़ी चलाकी का काम है और मक्कारी का काम है। ये तो किसी भी, ये सिर्फ और सिर्फ पुलिस अपनी, अगर आप कहें कि ये नॉन सेंसिबल है, इसकी नॉन सेंस है, या ये अपनी जो है वो एबिलिटी में नहीं है, अपनी जो है वो एक्टिव नहीं है इसका माइंड, तो ये तो गलत है। उसका माइंड तो एक्टिव है, क्योंकि वो तो अपने माइंड से जो है वो गेम कर रहा है। उसको तो पता है कि कौन सा बच्चा मुझे चाहिए और कौन सा नहीं चाहिए। उसके पास तो डेली की बेस पर जो है वो 10-12-14 चले 20 बच्चे तो आते ही होंगे, तो वो उसमें से चूज करता है बकायदा तौर पे कि मुझे कौन सा बच्चा चाहिए, तो ये उसका दिमाग नहीं चल रहा। ये तो गुब्बारे वाले की बात थी। अब दाता दरबार कभी जाएं, वहां पर आपको हटे कट्टे मर्द और ख्वातीन मिलेंगे और वहां पर वो कमसिन बच्चों को ताड़ रहे होते हैं फैमिली के साथ, और मुकामी पुलिस इनके साथ पूरी तरह से साजबाज है। अगर कोई बंदा ये बात कहे ना कि पुलिस की मर्जी के बिना यहाँ से कोई बच्चा चला जाए या पुलिस की मर्जी के बगैर कोई क्राइम हो जाए, तो नेवर, ये नहीं हो सकता। पुलिस उनके साथ साजबाज होती है। और ये बच्चे अगवा करने वाले छोटे बच्चों को, जब 4 से 5 साल के बच्चे को अगवा करके लेके जाते हैं, तो ये दूसरे शहरों में जाके उनके हाथ पांव जला के, उनको तोड़ के, उनको अपनी मेहनत का एक जरिया बनाते हैं। उनको सिग्नल्स पे आपने गाड़ी चलाते हुए देखा होगा, छोटे छोटे बच्चे जो है वो गाड़ी का शीशा जो है वो नॉक करके आपसे पैसे मांगते हैं। ये वही बच्चे होते हैं जो इन्होंने अगवा किए होते हैं। ताहाल फिर भी जो है वो पुलिस इनको नहीं पकड़ती और इनके साथ पूरी तरह से साजबाज होती है। और अगर देखा जाए तो जिस तरह से स्पीड में बच्चों को अगवा किया जा रहा है, उसके मुकदमे भी दर्ज किए जा रहे हैं, और ज्यादा जो है वो CIA को तफ्तीशें दी जा रही हैं, और CIA जो है वो मेहनत लगन के साथ, नहीं तो पुलिस के बस की अगर बात नहीं है, पुलिस जो है वो इस चीज को हैंडल नहीं कर पा रही, तो फिर आगे जो है वो CIA से मदद मांगी जा रही है। तो इन बच्चों की जो इतने बाजियाब करवा लिए गए हैं CIA की मदद से, CIA पुलिस की तरफ से, तो और इनको पूरा का पूरा जो गैंग काम कर रहा है, इसको रोकने के लिए क्या इम्प्लीमेंटेशन हो रही है? देखिए, लाहौर में कोई एक गैंग काम नहीं कर रहा है, दर्जनों गैंग काम कर रहे हैं। जिस तरह से मैंने बताया, मज़ारात पे आप देख लीजिए कि वहां पर आपको ऐसे लोग नजर आएंगे जो मशकूक होंगे, वहां पर बच्चों के साथ जो है वो लोग नजर आएंगे। इवन आप अपने बच्चों को अगर ले जाएंगे तो बच्चों के ऊपर उन्होंने गहरी नजर जो है वो रखी हुई होगी। और ये बढ़ते हुए वाकयात इस चीज का सबूत है, मुंह बोलता कि इस वक्त में पाकिस्तान के जो हालात हैं उसमें आपने, माँ बाप ने अपने बच्चों की हिफाजत खुद करनी है। क्योंकि अगर आप किसी भी टाइम कोई जरा सा भी आप जो है वो निगलेक्ट करते हैं अपने बच्चे को, तो वो आगे जाकर जो है वो किसके हाथ लग जाता है ये आपको नहीं पता, और वो उसके साथ क्या सलूक करता है। मैं इस पॉइंट पर आना चाह रही हूँ वसीम साहब, कि ये बताइएगा कि इन बच्चों को ले जाकर इन्हें किन किन कामों के लिए इस्तेमाल किया जाता है, और इन्हें अगवा क्यों किया जाता है, और कौन लोग इन्हें अगवा करते हैं, उनके पीछे क्या रीजन है, वो लोग इनको कहां लेकर जाते हैं? देखें, जिस तरह से मैंने बताया कि ये पूरे का पूरा एक मुनज्जम ग्रोह है, और यहां से जब बच्चों को अगवा किया जाता है तो उनसे जो है वो मेहनत मजदूरी भी करवाई जाती है, और उनसे जो है वो भीख भी मंगवाई जाती है, और कुछ लोग जो है वो अगवा बराए तवान जैसी संगीन वारदातें करते हैं। जिस तरह से मैंने बताया कि
जब मुकदमा दर्ज हो जाता है, लोकल पुलिस जो है वो बिल्कुल नहीं इनको तलाश कर सकती। ये सीआईए को शर्फ हासिल है, सीआईए को जो है वो माँ बाप की दुआएं हैं कि इस तरह से जो है वो इनको बच्चों को बाजियाब करवा लेती हैं। जिस तरह से वो खातून जो अस्पताल से जिनका बच्चा गया था उनकी हालत देखने वाली थी, अगर उनको उनका बच्चा ना मिलता तो शायद वो खातून जो है वो एक्सपायर हो जाती। पुलिस की जानिब से जो है वो उनको एक बड़ा सरप्राइज दिया गया, उनको बताया गया कि मियाँ बीवी को जो है वो डीएजी ऑफिस बुलाया गया है, बच्चे अगवा के हवाले से बात करनी है। और वो खातून इतनी परेशान थी, ज़हनी तौर पर वो इतनी जो है वो मफलूज हो चुकी थी, इतनी परेशान थी कि उसके दिल और दिमाग में खौफ था कि पता नहीं मेरे बच्चे के साथ क्या हो जाएगा। जब पुलिस ने दरवाजे इंटर होते ही उसका जो बच्चा अगवा था एक दिन का, जब उसकी झोली में रखा तो वो फूट के रोने लगी और दुआएं देने लगी सीआईए के एसपी, सीआईए को और सीआईए के जो डीएसपी काम कर रहे थे, क्योंकि ये जॉइंट जो है ना जिस तरह से ये तमाम लोग इकट्ठे काम करते हैं सीआईए के, एक दूसरे से इंफॉर्मेशन ले लेते हैं। इनका सबसे बड़ा जो कामयाबी का राज है वो यही है कि इनका जो सिपा सलार है एसपी सीआईए, ये इन पे ट्रस्ट करता है और उसकी इज्जत की बहाली के लिए सीआईए के जो है ऑफिसर भी काम करते हैं, जो कि बच्चों को अगवा जो किया जाता है उनके मुनाजिम ग्रोह जो है वो जेलें भरी पड़ी हैं, लेकिन उसके बावजूद भी भूख कितनी बढ़ चुकी है। आहिस्ता आहिस्ता फिर जो है वो बच्चों के अगवा का मामला जो है वो शुरू हो चुका है। लोग कई जो है वो बच्चों को तशद्दुद करके हाथ पांव तोड़ के भीख मंगवाने के लिए जो है वो इस्तेमाल करते हैं, कुछ लोग जो है वो तावान की रकम लेने के लिए इस्तेमाल करते हैं। लेकिन मैं समझता हूँ कि सीआईए का बड़ा किरदार है पूरे पाकिस्तान में, जहाँ भी सीआईए बने हुए हैं, खासकर लाहौर की बात अगर की जाए तो हम समझते हैं कि यहाँ पर एसपी सीआईए और उनकी जो टीम है जो सीआईए बनाए गए हैं उनको किसी सूरत जो है वो नहीं जो है वो किया जा सकता कि ये लोग हैं तो लोगों की इज्जतें जो है वो महफूज हैं। बड़े बड़े केसेस जो है वो जहाँ मैंने बताया कि लाहौर पुलिस फेल हो जाती है तो वहीं पे सीआईए पुलिस जो है वो अपना उसके साथ एक सिरे से सिरा जोड़ती है, चेन से चेन मिलती है। और बड़े बड़े केसेस जो है वो मैंने देखे हैं 20-20 साल बाद जो है वो कत्ल जो है हो गए, बरामद हो गए, या जो कातिल था वो बाहर चला गया था, बाहर से 25 साल बाद वापस आया तो सीआईए ने उसको गिरफ्तार कर लिया। कत्ल भी जो है वो अल्लाह ताला का फरमान है कि कत्ल जो है वो कभी छुपता अच्छा नहीं है। देखिए कि हमारे माशरे में छोटे बच्चों को अगवा करके किस तरह उनको प्री प्लान्ड उनके माइंड को वॉश करके बकायदा तौर पे उनको साइकोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से और साइकोलॉजिकल जो है वो उनको डील करके ये लोग एक दहशतगर्द बना रहे हैं, एक ऐसा शख्स जो है वो बनाकर पेश करते हैं कि जिसका माशरे में कोई मुकाम नहीं है और वो माशरे से नफरत करता है। वो बच्चा जो बहुत बचपन में ही अपने माँ बाप से अलग हो गया, जिसकी तरबियत जो है वो अच्छे से होनी थी या उसको जो है वो अच्छाई या बुराई का पता चल रहा था, वो टोटली बुराई में पड़ गया, क्योंकि वो जो बुरे लोगों ने उसको अगवा किया उन्होंने उसकी ट्रेनिंग भी बुराई में ही करना शुरू कर दी। आज हम बड़े फ़ख्र से ये बात कहते हैं कि हम पाकिस्तानी हैं, लेकिन जब हम ये सारी बातें सोचते हैं तो हमें इस शर्मिंदगी भी होती है कि हमारे ही माशरे के लोग हैं और शायद कोई एक ऐसी तीसरी पावर भी यहाँ पर मौजूद है, जो कि यकीनन मौजूद है, जो पाकिस्तान के नाम को बदनाम करने की हमेशा से कोशिशें भी करते रहते हैं, लेकिन जिस मुल्क में मुफलिसी होती है, जहाँ पे पैसे की कमी होती है, जहाँ पे मुईशत का सिक्का नहीं चलता है, जहाँ पे लोग रोटी की खातिर भूखे मरते हैं, वहाँ पर दहशतगर्दी के वाकयात जो है वो मज़ीद परवान चढ़ते हैं और वहाँ पर क्राइम जो है वो रोज़ बर रोज़ होते हैं, रोज़ डेली की बेसिस पे ऐसे ऐसे क्राइम सामने आते हैं कि शायद हम जैसे लोग भी जो आपको बता रहे होते हैं टेलीविजन स्क्रीन पे, एंकर पर्सन है, हमारे रिपोर्टर्स हैं, वो भी देखकर जो है वो खौफजदा हो जाते हैं कि एक इंसान दूसरे इंसान के लिए इतना खतरनाक भी हो सकता है। और आप यकीन करें सिर्फ 5,000 के इवज बच्चे को फरोख्त कर देना, किसी के लखते जिगर को उठाकर जो है वो किसी और के हवाले कर देना, उन माँ बाप पर क्या गुजरती होगी जिनके इतने बच्चे जो है वो यहां से ही अगवा हो चुके हैं और ना जाने कहां हैं, उनके साथ क्या सलूक किया गया, उन्हें कहां पर पहुंचाया गया और उनसे क्या काम करवाया जा रहा है। तो अगर आज भी हम चीज रोकने में कामयाब नहीं होते तो आने वाले कल में हमें अल्लाह के आगे बहुत बड़ा जवाब देना पड़ेगा, क्योंकि यह बड़ी अच्छी बात है कि एसपी सीआईए आसिफ इफ्तिखार साहब जो है अच्छा काम कर रहे हैं और उनकी पूरी टीम भी अच्छा काम कर रही है, और सीआईए जब तक है तब तक ये ग्रोह जो है वो चैन सुकून से बैठ नहीं सकता, लेकिन इस पर सख्त से सख्त इंतजाम और अमल होना चाहिए ताकि ये लोग जो है वो इस तरह का घिनौना काम जो है वो मजीद इसको ना बढ़ा सकें और हमारे बच्चे जो है वह सेफ रह सकें। क्या कहेंगे आप, कोई एक खास जो है वो आप बात करना चाहें बच्चों के हवाले से या कोई पैगाम देना चाहें? जी वसीम साहब, देखिए मैं तो यही कहूँगा कि जो बच्चे अगवा हो जाते हैं उनमें ज़्यादातर जो है वो वालदेन का बड़ा किरदार होता है कि वालदेन अपने बच्चों को बे यारो मददगार छोड़ देते हैं
और छोड़ने के बाद फिर खूब जो है वो रोते हैं घर जाके, क्योंकि उनका इकलौता बेटा होता है। कुछ लोग जो है वो अपनी औलाद से बेइंतहा प्यार करते हैं, उनके सीने पे जो है वो बच्चे सोते हैं रातों को। उनको भी चाहिए कि जहाँ पर हम किसी भी मुलज़म को, चाहे वो अगवाकार हो, चाहे वो कोई भी ऐसा शख्स हो, अगर हम उसे मौका देंगे तो वो हमारे मौके से फ़ायदा भी उठाएगा। सही बात। अगर हम अपने बच्चों पे अगर कड़ी निगाह रखेंगे, उनको अच्छे तरीके से अपने घर में रखेंगे और उनका खास ख्याल रखेंगे, तो अगवाकार कभी भी बच्चा अगवा नहीं कर सकता, क्योंकि वालदेन जो है वो एक बाज की नज़र जो है वो अपनी औलाद पे अगर रखे तो अगवाकार जो है वो बिल्कुल फेल हो जाएगा और माँ बाप जो है वो कामयाब हो जाएंगे। बहुत शुक्रिया वसीम साबिर साहब, आपका भी और नाजरीन आपका भी बहुत शुक्रिया कि आप मेरे प्रोग्राम को शौक से देखते हैं और जो मुझे सोशल मीडिया पे भी और वैसे भी आप कमेंट्स करते रहते हैं, तो मेरे लिए वो बहुत अच्छे, मैं खुद भी पढ़ती हूँ उसको और उसका जवाब भी देती हूँ आपको। आपके इलाके में किसी भी जगह अगर आप समझते हैं कि कोई ऐसी शिकायत है जो आपका अजाला नहीं हो पा रहा, कोई आपकी शिकायत को नहीं सुन पा रहा, तो आप डायरेक्ट जो है वो हमारे साथ रابطہ कर सकते हैं। कोहिनूर न्यूज़ का हर प्रोग्राम और ये मेरा मॉर्निंग शो भी, हमारी कोशिश होती है कि हम मिलकर जो है वो आपके मसले का हल आपको दें और इंशाल्लाह ताला जो है वो इस पे पूरा भरपूर तरीके से जो है वो इम्प्लीमेंट भी करवा सकें। इसी के साथ मुझे डॉक्टर नबीह अली खान को इजाज़त दीजिएगा, कल फिर नई सुबह नए आगाज़ नए अंदाज़ के साथ दोबारा आपसे यहीं पर मुलाकात होगी। तब तक के लिए अल्लाह के बाद।